योग करें निरोग। हम सभी जानते हैं कि योग करने से हमारी बॉडी निरोग बनी रहती है। योग करने से न केवल हम स्वस्थ रहते हैं, बल्कि अगर किसी रोग के दौरान भी योग किया जाए तो उससे जल्द ही छुटकारा पाया जा सकता है। खासकर अगर किडनी रोगों के दौरान नियमित रूप से योग किया जाए तो रोगी को काफी आराम मिलता है। वैसे तो किडनी रोगी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार बहुत से योग कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताएंगे कि आखिर कैसे किडनी रोगी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं और उन्हें इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल स्टॉक किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति योग प्रणाली प्राणायाम का एक हिस्सा है जिससे बॉडी की सफाई की जाती है। ये पष्टकर्म का भी एक अभ्यास है। ये योग संस्कृत के दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें कपाल का अर्थ होता है ललाट और भाति का अर्थ होता है प्रकाश या दीप्ति। इसे बोध या ज्ञान भी कहा जाता है। अगर इसकी व्याख्या की जाए तो कपालभाति वो अभ्यास है जो मस्तिष्क के आगे वाले भाग में प्रकाश या स्पष्टता लाता है। बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी है कि कपालभाति का एक नाम कपाल शोधन भी होता है। इस योग को करने से सांस से जुड़ी समस्या में राहत मिलती है और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कई शारीरिक समस्याएं नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले हम किडनी रोगियों को बता दें कि इस प्राणायाम को करने से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इससे आपका अतिरिक्त वात, पित्त और कफ संतुलित रहता है, फेफड़ों और श्वसन प्रणाली को साफ करता है जो कि किडनी रोग के दौरान बाधित हो जाती है, रक्त परिसंचरण में सुधार आता है जिसकी वजह से रोगी को काफी आराम मिलता है। किडनी खराब होने पर रोगी को नींद न आने की समस्या होती है जो कि कपालभाति प्राणायाम करने से दूर हो जाती है और मानसिक शांति भी मिलती है। किडनी खराब होने पर रोगी का पाचन तंत्र काफी खराब हो जाता है, जिसे इस प्राणायाम की मदद से बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। किडनी का मुख्य काम है ब्लड को साफ करना, जो वो खराब होने के दौरान नहीं कर पाती। अगर रोगी कपालभाति प्राणायाम करता है तो उसका ब्लड साफ होने लगता है और रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसे डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखा, केवल एक प्राणायाम से किडनी रोगी को डायलिसिस से छुटकारा मिल सकता है। अब किडनी रोगी कैसे इस प्राणायाम को कर सकते हैं? सबसे पहले किसी आरामदायक आसन पर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए पालथी मारकर बैठ जाएं। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो ध्यान रहे कि दोनों पैरों को जमीन पर ही रखें। अब सिर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें, आंखें बंद कर लें और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। अब दोनों नासिका छिद्रों से गहरी सांस लें और पेट की मांसपेशियों को सिकुड़ते हुए सांस छोड़ें। ध्यान रहे, सांस छोड़ते समय अधिक जोर न लगाएं। अब फिर से सांस लें तो पेट की पेशियों पर बिना प्रयास लगाए सांस लें। सांस आराम से लें, इसमें किसी प्रकार का जोर न लगाएं। शुरुआत में 10 बार सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करें। अब थोड़ी देर आराम करें और फिर इसी क्रिया को दोहराएं। आसन का अभ्यास पूरा होने के बाद शांति का अनुभव करें। तो ये है कपालभाति प्राणायाम का सही तरीका। अब एक स्वस्थ व्यक्ति तो बिना किसी बाधा के इस योग को बड़े आराम से कर सकता है, लेकिन जब बात आती है एक किडनी रोगी की तो उसे इस योग को करने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किडनी रोगी को सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा बड़ा हुआ न हो। अगर सामान्य से थोड़ा बड़ा हुआ है तो वो इस प्राणायाम को आराम से कर सकते हैं। दूसरा है, अगर रोगी के पेट में या छाती में पानी भरा हुआ है तो भी उसे इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। तीसरा है, रोगी को सुबह खाली पेट ही इस प्राणायाम को करना है और शाम को लंच के करीब 3 से 4 घंटे के बाद ही इसका अभ्यास करना है। फोर्थ है, अगर रोगी को उल्टियां आने की शिकायत है तो भी उसे इस योग को नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों के अलावा किडनी रोगी को कपालभाति प्राणायाम करने के दौरान कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। प्राणायाम के हर स्टेप को बड़े आराम से करना है। आप जितना धीरे धीरे इस योग को करेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा।
इस योग को 4 से 5 बार करें और एक बार योग क्रिया खत्म होने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट का अंतर रखें, फिर दूसरी बार योग करना शुरू करें। इस प्राणायाम को करने के बाद कम से कम 45 मिनट बाद ही कुछ खाए पिए, नहीं तो पेट दर्द की समस्या हो सकती है। तो ये थी कपालभाति प्राणायाम करने से जुड़ी वो सारी जानकारी जिसका किडनी रोगी को ध्यान रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हमारे योगा एक्सपर्ट्स 24 घंटे के भीतर आपके हर सवाल का जवाब देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आपका हृदयपूर्ण धन्यवाद।